खबर ही कहाँ है? अंडे आपके लिए खबर लाया था। खबर ही कहीं के एक रूम ही ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं। तुम हमको अगली खबर बताओ। अंडे खबरी नाम है मेरा खबर सबकी रखती हूँ। का कर हूँ गाना नहीं गाएंगे और हम नमस्कार नमस्कार दर्शक लोग आ गए का फिर से देखो चिंटू का कर रहा है कि अम्मा एक बार वो वाला गाना गा दो। कौन सा वाला गाना? और चिंटू का फेवरेट अब हमारा लल्ला कहेगा ना गाना तो हम ना भी नहीं कर सकते तो गा देगा दर्शकों। अच्छा चलो गा देते हैं। अब तुम्हारा पप्पा तो आ है नहीं ना वरना उनको देख कर तो गाते तो फील आता है गाने का सही बता रहे हैं। अब तो गा देते हैं चट देनी का कहते हो चिंटू चट देनी मार देली खींच के तमाचा ही हौस दे ले चिंटवा के पापा। नमस्कार नमस्कार दर्शक लोग कैसन हो सब? तो बढ़िया से चल रहा है ना? हम तो बढ़िया ही है सुंदर दिख रहे हैं ना। मामा तो वैसे भी कहती है का है ना मामा को रोज वीडियो कॉल करते हैं ना तो हमको बोलती है कि तनिक ना तुम काला टीका लगा दिया करो ना नजर विजर लग गई ना तो तबियत तनिक खराब हो जाएगी। हाँ हम बोले कि अपनों की का नजर लगती है का सही कर रहे हैं ना। अब खबर लाए हैं अलका कौशल जी की पहले वो दिखाते हैं चलिए फट से। चलिए अलका कौशल का कहना है कि मैं जल्द ही ओटीटी पर वास्तव में चुनौतीपूर्ण कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जी हाँ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 3 दशकों से ज्यादा के करियर के साथ अभिनेता निर्माता अलका कौशल को लगता है कि थोड़ा और प्रयास और अवसर उनके लिए चीजों को बेहतर बना सकते थे। उन्होंने कहा जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे ये 30 साल एक पल में बीत गए लेकिन मुझे इस बात का पछतावा है कि थोड़ी और प्लानिंग अवसरों की तलाश और प्रयासों के संदर्भ में एक अतिरिक्त मील जाने से मेरे लिए चीजें काफी बदल सकती हैं। जब आप छोटे होते हैं तो आपकी विचार प्रक्रिया और धारणाएं बाद के सालों में जो बन जाती हैं उससे पूरी तरह से अलग होती हैं। जी हाँ इस बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि लेकिन अब इस पर विचार करने से कुछ नहीं होगा इसलिए आगे देखना बेहतर है। प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछले 2 सालों में भी काफी बिजी रही हैं। साथ ही उस एड को उन्होंने याद किया जो विवादों में फंस गई थी। उन्होंने कहा मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट लिए और उन्हें पूरा भी किया साथ ही कई एड भी मेरे पास आ रहे थे। मैं हमेशा अपने सबसे पसंदीदा प्रोजेक्ट्स में एड पर विचार करूंगी लेकिन भगवान जानता है कि कैसे एक प्रतिष्ठित ज्वेलरी ब्रांड के लिए मेरा एक एड बड़े विवाद में आ गया। इसने हम सभी को आहत किया क्योंकि हमने इसकी योजना बनाई और इसे अच्छे इरादों के साथ फिल्माया। मुझे बुरी तरह ट्रोल किया गया। मैंने अपने पहले की टीवी डेली में ऐसा किरदार निभाया हुआ था। मजेदार बात यह है कि मुझसे मेरी पहचान के लिए सवाल किया गया था लेकिन जैसा कि कहा जाता है नकारात्मक प्रचार अभी भी प्रचार है। मैंने उस घटना को अपने दिमाग के फ्रेम को प्रभावित नहीं होने दिया और मैं बहुत ही सकारात्मक और प्यार करने वाली प्राणी हूँ। साथ ही वायरस को दूर रखने में सक्षम होने के लिए उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ लेकिन मैं किसी तरह वायरस से बचने का प्रबंध मैंने किया और मैं इससे बचने में कामयाब भी रही। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने शेयर की अपने दिल की बातें। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे पछतावा तो हमारे चिंटू के पप्पा को भी है दर्शकों। हम पहले भी कहे थे कि का है ना वो बनना तो उनको हीरो था बट हम बोले कि सकल तो है नहीं आपकी हीरो बनने वाली पर ठीक है सकल ना हो टैलेंट आजकल कोई सकल नहीं देखता पर टैलेंट भी होना चाहिए। अब हम जैसा टैलेंटेड तो नहीं है चिंटू के पापा तो फिर लेकिन बिहाइंड द कमरा काम करते हैं बहुत ही बढ़िया कमरा काम करते हैं ऐसे वीडियो बना कर लेकर आते हैं बहुत सुंदर काम करते हैं। उनका हमा बड़ के भैया है ना उनके काम में लगे रहते हैं मस्ती से। तो अभी हम जाते हैं फिर जल्दी से आते हैं नई खबर लेके। तो आप कहीं नहीं जाइएगा दर्शकों जरूर बने रहिएगा आंटी के साथ। जय राम जी की।